ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदीवाला मुंबई। के जैमर बांटने का मतलब क्या है? आपने एक पार्किंग जोन नहीं बनाया, यहाँ पर टोइंग वालों को जैमर दे रहे 100 रुपया, बाइकर्स को फाइन कर रहे हो, गाड़ी वालों को फाइन कर रहे हो नो पार्किंग का। तो आप पहले हमको पार्किंग जोन दो, जहाँ होकर खत्म हुए वहाँ से फिर गाड़ियाँ पार्क दे। तो ये ट्रैफिक विभाग दरअसल पार्किंग जोन ढूंढेगी कहाँ से लाएगी? शहर का जो मुख्य रास्ता है वो या तो हॉकर से या फिर पार्किंग से परेशान है, और हमारे पास दोनों भी लीगल नहीं है। आज शहर कचरे से डूबा हुआ है, तो उनके ही लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, उनको लगता है कि मुमरा की आवाम लावारिस है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार ट्रेन। आपको बता दें, मुमरा शहर में ट्रैफिक की जो है समस्या वो रहती ही रहती है, लेकिन जो है अब समस्या खड़ी हो गई थी, जो ट्विंग करके दो पहिया गाड़ियों को उठाया जा रहा था, जो फोर व्हीलर थे उन पर कहीं ना कहीं जामर लगाया जा रहा था। इस तरह की कार्रवाई मुमरा शहर में की जा रही थी। हालांकि नागरिकों में भी इसके खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखने को मिला, और MIM पार्टी अब इसके खिलाफ मैदान में उतरी है, और इसके लिए जो है पत्र व्यवहार ट्रैफिक विभाग से किया गया है कि शहर में जब पार्किंग जोन नहीं है और लोग रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी करते हैं, तो आखिर उनको जो है टोइंग करके गाड़ियां क्यों लाई जाती है, क्यों कार्रवाई की जाती है, क्या पत्र व्यवहार किया गया है। सैफ पठान MIM पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सैफ भाई, आप लोगों ने ट्रैफिक विभाग में जो है शिकायत की है कि टोइंग करके जो गाड़ियों पर लाया जाता था कार्रवाई की जा रही थी, क्या शिकायत की है आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए इस्लामुद्दीन भाई, अभी हम लोगों ने जितने कंसल्ट विभाग है, चाहे TMC ऑफिस हो, TMC कॉरपोरेशन कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर ऑफ थाने सिटी हो, हम पुलिस कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ RTO से भी मुलाकात की हम लोगों ने राठौड़ साहब से, उसके बाद हम मुमरा सीनियर पुलिस RTO से भी हमने मुलाकात की, और हमने कंसर्न प्रभाग समिति और मुमरा पुलिस स्टेशन में भी लेटर दिया है कि इस शहर में जो टोइंग फैसिलिटीज़ RTO की तरफ से शुरू की गई है, हम उसके खिलाफ नहीं है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई होने से पहले उसका पर्याय बनना चाहिए। यहाँ पर आप अगर हमको फाइन कर रहे हो, हमारे शहरवासियों को 700 रुपया, बाइकर्स को फाइन कर रहे हो, गाड़ी वालों को फाइन कर रहे हो नो पार्किंग का, तो आप पहले हमको पार्किंग जोन दो। आपने शहर में कहीं पे भी पार्किंग जोन नहीं दिया है, और इस तरीके से आपने हमें नो पार्किंग का फाइन कर रहे हो, जो सरासर गलत है। तो हमने उसके लिए आज सबसे मुलाकात की और लेटर दिया है कि पहले आप शहर में पार्किंग जोन बनाएं, जब तक आप ये टोइंग फैसिलिटीज़ को रोक दिया जाए। तो कितने दिन के लिए टोइंग जो है रोक दिया गया है? देखिए, अभी हमारी सीनियर से जब मुलाकात हुई, सीनियर RTO ऑफ मुमरा से, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आज से लेकर 5 दिन तक वो टोइंग सर्विस को रोक देंगे, और जब तक नो पार्किंग जोन जब तक शहर में नहीं बनता है, वो खुद यहाँ से आज से अनाउंस करना शुरू करेंगे 5 दिन तक, कि शहर के लोग सिंगल जो येल्लो पट्टा है उसके अंदर सिंगल गाड़ी लगाए, अगर वो डबल लाइन हुई तो उस पर कार्रवाई होगी, सिंगल लाइन पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक पार्किंग जोन नहीं आता है तब तक। इसके लिए वो 5 दिन तक रोक करके सिर्फ अनाउंसमेंट करेंगे 5 दिन तक। तो पार्किंग जोन आएगा कहाँ से? रोड के किनारे कहीं इनको तय करना पड़ेगा कि ये पार्किंग। अब यहाँ से आप शिमला पार्क तक चले जाएंगे तो दोनों साइड एक एक लाइन पे जो हॉकर खड़े हैं वहाँ हॉकर को छोड़ के, और जहाँ हॉकर ख़त्म हुए वहाँ से फिर गाड़ियाँ पार्क दे। तो ये ट्रैफिक विभाग दरअसल पार्किंग जो ढूंढेगी कहाँ से लाएगी? रोड पे ही इनको कहीं बनाना पड़ेगा ना। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे शहर की कि कोई भी चीज़ है ना परफेक्ट तरीके से यानी प्लानिंग नहीं की गई, शहर को परफेक्ट प्लानिंग से डेवलप नहीं किया गया। उसका नतीजा है कि आज यानी शहर का जो मुख्य रास्ता है वो या तो हॉकर से या फिर पार्किंग से परेशान है, और हमारे पास दोनों भी लीगल नहीं है, ना हॉकर जोन लीगल है ना पार्किंग लीगल है। तो हम यानी गरीब किसको बोले किसे? ये शहर के रहवासी है सब, चाहे वो हॉकर्स हो चाहे वो पार्किंग के हो। इसीलिए हमने मुतालबा किया है ना कि आप लोग पहले सिस्टम तो लाए, आप हॉकर जोन का जो आज हॉकर जो रोड पे, उनको कहीं हॉकर जोन तो दे, लीगल हॉकर जोन तो दे, उनको बिठाने का रास्ता तो बनाए, फिर उनको रोड से हटाए। आप अगर पार्किंग के लिए आज फाइन करो तो पार्किंग जोन तो दे हम लोगों को, उसके बाद फाइन करिए। बेकायदेशी ऐसा नहीं किया ना, बस आप जैसा चाहे। देखिए, काफ़ी रूल्स होते हैं टोइंग के, अभी आपसे ही मुझे पता चला कि 3 बार अनाउंसमेंट करने का रूल्स होता है, लेकिन हमारे शहर में नहीं हो रहा है। अगर कोई टोइंग के लिए जाता तो 1 बार भी अनाउंसमेंट नहीं होता कि ये गाड़ी नंबर यहाँ पर खड़ी है किसकी है करके।
यहाँ पर नहीं होता है, और उसके बाद उसको 700 रुपये चार्ज होता है। बेकायदे से जो काम हो रहा है ना उसको ही रोकने के लिए आज MIM रोड पे आई है। अच्छा, यहाँ सत्ताधारी पार्टी 14-15 साल होने वाला है और कहीं भी पार्किंग जोन नहीं है, ऊपर से सत्ताधारी पार्टी के तरफ से जामर भी लगाने के लिए दिया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस शहर में जितना भी जुल्म होता है ना कहीं सत्ताधारी पार्टी उसमें ना कहीं आप रिलेट हो ही जाती है। आप टोरेंट आया तो उनका कमीशन है टोरेंट के पीछे, उनके ही लोग कॉन्ट्रैक्टर लिए हुए अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी बार खुल चुका है इसका। उसके बाद यानी कचरा विभाग आया, आज शहर कचरे से डूबा हुआ है, तो उनके ही लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लोगों ने गाड़ियाँ लगाए, उनके लोगों ने यानी सब की वो सामने आ गया। अभी ये जो टोइंग का है, देखिए इसमें भी पता चलेगा कि जैमर बांटने का मतलब क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। आपने शहर में 15 साल आपके MLA रहे, 3 टर्म इन्हें यहाँ पर कर दिया, आपके नगर सेवक 20-20 साल यहाँ पर रह चुके, आपने एक पार्किंग जोन नहीं बनाया, और आप यानी यहाँ पर टोइंग वालों को जैमर दे रहे कि ये जो गरीब इस शहर का गरीब रहता है, जो दिन के अंदर 500-1000 रुपया कमा लेता है कहीं से मेहनत करके, उसमें से आप 500-700 रुपया फाइन करके मार दो, ये मेरी तरफ से जैमर लो आप करके दे रहे। उनको लगता है कि मुमरा की आवाम लावारिस है, ये जो भी करेंगे बस अपना पेट भरने के लिए जीरो से शुरू करें, 3 साल 4 साल 10 साल पहले 500 करोड़ तक पहुँच गए, तो ये फाइन खाकर ऐसा हराम का खाकर पहुँचेगी आप कि हमारे लोग को फाइन मार मार के पहुंचोगे, तो ये बर्दाश्त MIM नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि मुमरा की आवाम लावारिस है तो बिल्कुल भी नहीं, MIM यहाँ मौजूद है, MIM ने हर ऐसी गलत चीज़ों को अपोज करने के लिए हमेशा आगे आई और इस बार भी आगे आएगी और आपका जो है वो खोल के रहेगी। 5 दिन के बाद अगर टोइंग चालू होता है फिर गाड़ियाँ उठाई जाती हैं तो कैसा क्या रहेगा? ट्रैफिक विभाग के जो कहा गया आपसे कि पार्किंग जो है बताई जाएगी, तो कहाँ कहाँ बताई जाएगी, कुछ ऐसा उनके तरफ से डिसाइड है? मुझे तो नहीं सर नहीं लग रहा है कि कहीं भी वो पार्किंग दे पाएंगे रोड के किनारे। देखिए इस्लामुद्दीन भाई उसी के लिए हम आए ना, उन्होंने हमसे क्या कहा कि पार्किंग जोन जब तक हम नहीं बना लेते तो वो खुद अनाउंस करेंगे ये 5 दिन तक के। अगर आपको गाड़ी लगाना है, आप जैसे कहीं पर आए हो, लेट्स आप गुलाब पार्क मार्केट में आए, तो आप सिंगल लाइन लगाए, एक सिंगल लाइन तो समझ गए रोड के किनारे सीधी सिंगल लाइन पे कार्रवाई नहीं होगी जब तक पार्किंग जोन नहीं आता। उसके पीछे अगर डबल लाइन रहती है तो वो मुझे भी पता आपको भी पता गलत है, रोड जाम होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तो वो बहुत बड़ी राहत है। एटलीस्ट अभी आपको पता होगा, अभी तो ये सिंगल लाइन भी उठा रहे थे, हमारे मुतालबे के बाद कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे गए और वो सिंगल लाइन के लिए तो एग्री हो रहे, 5 दिन के लिए टोइंग रोक रहे, और इंशाल्लाह ताला आगे आपको पता है कि हम जो भी काम के पीछे पड़ते हैं हमारा सब फॉलोअप रहता है, उसके पीछे हम पूरा फॉलोअप करके इंशाल्लाह पार्किंग जोन लाएंगे इस शहर के अंदर, जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे। बाकी आपको पता है सत्ताधारी अपना जैमर का पैसा निकालने के लिए शायद उसे रोके, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जावेद भाई आप भी आए थे यहाँ पर ट्रैफिक विभाग पे, किस तरह से बातचीत हुई क्या बताएं? देखिए हमारे सदर साहब ने तफसील से तो बता दिए हैं उस मुद्दे पे, लेकिन मेरी गुजारिश ये थाने महानगर पालिका से कि मुमरा शहर के अंदर जो यहाँ पे रोड के दोनों साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उन नेताओं की है, वो कोई लीगल तरीके से नहीं है, सब इनलीगल है, पहले उसको साफ करना चाहिए। उस संबंध में हमारे सदर पठान जी ने और हमारी मजलिस की टीम ने आज DCP से मुलाकात की और यहाँ के अधिकारी जो वरिष्ठ हैं उनसे भी बात की है कि भाई जब तक शहर के अंदर आप जो है जनता के लिए पार्किंग नहीं देंगे तब तक ये काम आप मत करें, और इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से जो है लब्बैक कह रहे हैं और इसके ऊपर काम करने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि MIM पार्टी जो है अब टोइंग के खिलाफ जो है मैदान में उतरी है, लेकिन 5 दिन के लिए टोइंग जो है रोक दिया गया है, कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 5 दिन के बाद कहा गया है ट्रैफिक विभाग कार्यालय की तरफ से, इस तरह से साहब पठान ने बताया कि 5 दिन के बाद जो है फिर टोइंग चालू की जाएगी, लेकिन इन 5 दिनों में ट्रैफिक विभाग की तरफ से सर्वे किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि आप कहां पर जो है पार्किंग करने के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन कहां पर जगह दी जाएगी ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन वही कहा जा रहा है कि जो रोड के किनारे एक लाइन लगाया जाता है उस पर कार्रवाई बहरहाल नहीं की जाएगी।